हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऑफिस में जाने से पहले सूचना पढ़ लें। कलेक्ट्रेट परिसर में रेवेन्यू शाखा के छज्जे का प्लास्टर गिरा, बड़ा हादसा टला। विभाग ने छज्जा जर्जर होने की सूचना की चस्पा। बाड़मेर में बीते कुछ दिनों से बरसात का दौर चल रहा है। लगातार बारिश होने से पुरानी जर्जर बिल्डिंग्स को खतरा बढ़ता जा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में रेवेन्यू शाखा का छज्जे का प्लास्टर बीते रात गिर गया। विभाग ने बाहर की तरफ सूचना चस्पा कर दी है कि बरसात की वजह से छज्जा कमजोर हो गया है, कभी भी गिर सकता है, कृपया दूरी बनाए रखे। दरअसल जिला कलेक्टर परिसर में रेवेन्यू शाखा का ऑफिस है, जिसकी बिल्डिंग करीब 40 वर्ष पुरानी है। गेट के बाहर की तरफ बड़ा छज्जा बना हुआ है। मंगलवार देर रात को भी तेज हवा के साथ बारिश हुई है। रात को ही छज्जे के अंदर की तरफ सीमेंट का प्लास्टर गिर गया। गनीमत ये रही कि रात का समय था, उस वक्त कोई वहां पर नहीं था, उससे बड़ा हादसा टल गया। रेवेन्यू शाखा के कनिष्ठ लेखाकार मदन ने बताया कि बीते 10 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसे मंगलवार देर रात को छज्जे का प्लास्टर गिर गया। छज्जा जर्जर हो रखा है और कभी भी गिर सकता है, इसको हटाने के लिए उच्च अधिकारियों को बता दिया है। दिन में रहता लोगों का आना जाना, रेवेन्यू शाखा में दिन में ग्रामीण व शहरी लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस शाखा में सेटलमेंट से लेकर अब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड और नक्शे मिलते हैं, इसलिए लोगों की आवाजाही भी ज्यादा होती है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।